सो ट्रीटमेंट भी इसी मुनासबत से होता है कि स्कारिंग कितनी वर्स है और उसको किस तरह मैनेज करना चाहिए। जितनी कम स्कारिंग हो और जितनी सुपरफिशियल हो यानी बाहरी लेयर्स की हो, उतना हमें ऐसी ट्रीटमेंट ऑप्शंस करनी पड़ती हैं और करनी चाहिए जो कि सिर्फ बाहर वाली लेयर्स को हैंडल करती है। उनमें बहुत सारी ऑप्शंस हैं, सिर्फ सिंपल पील्स जो होते हैं जो बच्ची जो 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 घर में भी किए जा सकते हैं, पील के ऑइंटमेंट्स आते हैं, पील की क्रीम्स आती हैं, वो सिंपल पीलिंग से भी जो इरेगुलरिटीज़ होती हैं वो ठीक हो जाती हैं। फिर कुछ क्रीम्स अवेलेबल होती हैं, विटामिन ए जो उनमें से मोस्ट बेसिक क्रीम है जो कि मोस्ट ऑफ द जो है हमारे कॉस्मेटिक क्रीम्स में वैसे भी अवेलेबल होती है, वो लगाई जा सकती है। सन ब्लॉक का बहुत ज़्यादा रोल है। जूँ जूँ स्कारिंग डीपर होती जाती है हमें ज़रा ज़्यादा इंटेंस ट्रीटमेंट करने पड़ते हैं। सो रिलेटिवली ज़्यादा स्कारिंग होगी तो हम उसके लिए डर्म अब्रेजन कर सकते हैं, हम उसके लिए माइक्रोडर्म अब्रेजन कर सकते हैं। वो क्या है, सिंपल अल्फाज में कि हम स्किन को रगड़ कर बराबर कर देते हैं। सो रगड़ने का प्रोसेस इतना सिंपल नहीं है जितना मैं इसको साउंड कर रहा हूँ। होता यह है कि हम इतने कंट्रोल तरीके से इसको रगड़ते हैं कि स्किन की हीलिंग कैपेसिटी इन्हांस हो जाती है। बॉडी को अल्लाह ने ऐसी कुव्वत दी है स्किन को और सारी बॉडी को ही कि जब भी इंसान को कोई चोट लगती है तो जो हीलिंग होती है वो पहले से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होती है। सो हम स्किन को इस तरह की चोट देते हैं और रगड़ने से कि वो पहले से भी हेल्दी और स्ट्रॉन्गर स्किन प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, और डीपर स्कारिंग है, बड़ी स्कारिंग है, ज़्यादा बुरी लगने वाली स्कारिंग है, उसमें लेज़र और डर्म एब्रेजन का कॉम्बिनेशन का रोल आता है। लेज़र का रोल वही है कि वो स्किन को एक कंट्रोल्ड अमाउंट की चोट देती है जिससे स्किन दोबारा हील होती है तो ज़्यादा हील हो जाती है और वो जो पिट्स और स्कारिंग बनी होती है उसको भी हील कर देती है। असल बात जिस पे मैं एम्फसाइज आज करना चाह रहा हूँ वो है जो कि मैं काफ़ी ज़्यादा शायद करता हूँ इसलिए भी और इनवोक भी है पूरी दुनिया में, वो है स्टेम सेल थेरेपी। पूरी दुनिया अब स्टेम सेल्स को ढूंढ रही है कि जब बच्चा माँ के पेट में बनता है या पैदा होता है तो क्या ऐसे अनासर होते हैं कि उसकी हर चीज़ अच्छी बनती है और बच्चे की स्किन यूजली सबसे खूबसूरत होती है जब बच्चा पैदा होता है। ये स्टेम सेल्स जो होते हैं वो बॉडी के अंदर से ही हमें मिल जाते हैं, या तो ये हमें हमारे ब्लड से मिल जाते हैं जिन्हें प्लेटलेट रिच प्लाज्मा कहते हैं, PRP। बहुत ज़्यादा आजकल इसका फैशन भी है, एडवर्टाइजमेंट भी है, PRP बहुत ज़्यादा की जाती है। उससे एक स्टेप आगे जाएं तो SVF होता है, दैट मीन वैस्कुलर कॉम्पोनेंट ऑफ फैट आप ले लेते हैं, पूरी फैट नहीं लेते, उसका एक वैस्कुलर कॉम्पोनेंट ले लेते हैं जिसमें स्टेम सेल्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा जो थोड़ा डिमांडिंग है लेकिन जिसके सबसे ज़्यादा प्रिडिक्टेबल रिजल्ट हैं सारी दुनिया में और FDA अप्रूव भी है USA में, वो है स्टेम सेल थेरेपी विद फैट। वो फैट जो है वो हम पूरी फैट भी इंजेक्ट कर सकते हैं, अगर बहुत डीपर स्कारिंग है, बहुत डीपर गढ़े पड़े हुए हैं चेहरे में तो हम फैट इंजेक्ट करके उनके गढ़ों को ऊपर उठा देते हैं और कई दफ़ा लेज़र या थोड़ी सी डर्म एब्रेजन से थोड़ी सी रिफाइनमेंट करने की ज़रूरत होती है उसके साथ, और कई दफ़ा ज़रूरत नहीं होती। और अगर इतने डीपर नहीं है तो हम सिर्फ स्किन के नीचे, सिर्फ स्किन के जस्ट नीचे वो फैट उसको माइक्रो एमल्सिफाई करके सिर्फ स्टेम सेल्स की सूरत में जब वो लिक्विड हो जाती है तो हम उसको इंजेक्ट कर देते हैं। अक्सर पेशेंट मुझसे पूछते हैं, डॉक्टर साहब इस तरह तो मेरा चेहरा बहुत मोटा हो जाएगा। बेसिकली मोटा नहीं होता, इसलिए क्योंकि वो फैट जो होती है वो एमल्सिफाइड होती है, वो इन द फॉर्म ऑफ अ लिक्विड होती है जिसमें सिर्फ फ्लूइड कॉम्पोनेंट जो होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है और स्टेम सेल्स जो होते हैं वो स्किन में एंटर होकर नए स्किन सेल्स बनाना शुरू कर देती है जिस तरह माँ के पेट में होता है। इस तरह जो नई स्किन पैदा होती है और जो नई स्किन बनती है हीलिंग के दौरान वो क्वालिटी में बहुत अच्छी होती है, हाइड्रेटेड होती है और वो जो पुरानी स्कारिंग को ख़त्म करके नई और मोर रेगुलर स्किन को प्रोड्यूस करती है। कई दफ़ा एक से ज़्यादा सेशन करने पड़ते हैं लेकिन रिजल्ट्स बहुत प्रिडिक्टेबल होते हैं और बहुत अच्छे होते हैं। इसके अलावा भी स्किन की स्कारिंग के लिए कुछ एलिमेंट्स किए जा सकते हैं लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो इस वक्त पूरी दुनिया में की जाती हैं और गोल्ड स्टैंडर्ड है।